अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 7 है, क्लास हमारी ICOM 1, सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। जी बच्चों, लास्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था, आज इंशाल्लाह हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, डेफिनेशन है, ये डिस्कस करेंगे। और आज आपने बच्चों ये डेफिनेशन याद करके लिखनी है और लिख के बच्चों इसकी पिक लेके मुझे आपने सेंड करनी है। ये आपका होमवर्क है कि आपने इसको याद करके जो है वो मुझे पिक सेंड करनी है लिख के। तो बच्चों इसको डिस्कस करते हैं, आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए क्वेश्चन करने के लिए भी। अगर आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर होंगे देन ही हमें क्वेश्चंस की भी समझ आएगी, अदरवाइज क्वेश्चंस की भी समझ नहीं आएगी अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं। तो इनमें बच्चों सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ जी हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग बच्चों एक्सपेंस क्या होता है, ऊपर लिखा भी हुआ मैंने उर्दू में, वाजिबुल अदा इखराजात। ऐसे इखराजात जो हमने अभी तक अदा नहीं किए हुए उसको बच्चों हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर हो गया बच्चों, ऐसे एक्सपेंस जो हमने अभी तक अदा नहीं किए हुए उनको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लिखा हुआ जी एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड बट नॉट हैव बीन पेड टिल द एंड ऑफ ईयर। जी बच्चों, ऐसे एक्सपेंस जो हो चुके हुए हैं लेकिन हमने साल ख़त्म होने तक उनको पे नहीं किया हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल रेंट पेबल, सैलरीज पेबल। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों हमारे मकान का किराया जो है वो ड्यू हो चुका है, महीना गुजर गया हमने किराया पे नहीं किया, हमने एम्प्लॉइज की सैलरीज पे करनी है, महीना गुजर गया उन्होंने काम कर दिया लेकिन हमने उनको सैलरीज पे नहीं की। तो सिंपल वर्ड्स में कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो ऑलरेडी हो चुका हुआ है लेकिन हमने अभी तक उसकी पेमेंट अदा नहीं की हुई उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा, इसके लिए बच्चों वो डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करेगा आउटस्टैंडिंग के लिए, तो ये वर्ड्स भी आपको याद करने पड़ेंगे अच्छी तरह से। तो आउटस्टैंडिंग के लिए बच्चों वो क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकता है, अक्रूड, अक्रूड आउटस्टैंडिंग, पेबल, अनपेड, एरियर, ओइंग एंड ड्यू। जी बच्चों, ये वर्ड्स भी आपने अच्छे तरीके से याद करनी है और ये भी आपने जो है वो लिख के सेंड करनी है जब डेफिनेशन लिखनी है। तो जी बच्चों, ये लिखा हुआ वर्ड आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग की जगह पे इनमें से कोई सा भी वो वर्ड लिख सकता है, मतलब यहाँ पे वो आउटस्टैंडिंग की जगह पे अक्रूड, पेबल, अनपेड, एरियर, ओइंग, ड्यू कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकता है। तो आपको ये सारे वर्ड्स भी याद होने चाहिए, इसी के डिफरेंट नाम। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है जी नंबर 2 पे प्रीपेड एक्सपेंस। ऐसे अखराजात जो वक्त से पहले अदा कर दिए जाए, या दूसरे वर्ड्स में ऐसे एक्सपेंस जो हम एडवांस में दे देते हैं, ऐसे एक्सपेंस जो हम एडवांस में दे देते हैं वक्त से पहले। अभी हमने काम नहीं करवाया हुआ लेकिन हमने जो पेमेंट है वो एडवांस में कर दी है। सम टाइम ऐसे होता है हमें कुछ काम जो है वो करवाने हैं, अभी हमने काम नहीं किया करवाया लेकिन पेमेंट हमने एडवांस में कर दी। तो लिखा जी एक्सपेंस विच हैव बीन पेड इन एडवांस बट देयर बेनिफिट इज़ नॉट रिसीव्ड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। पेमेंट तो कर दिया लेकिन उसका बेनिफिट हमने अभी तक रिसीव नहीं किया हुआ, जैसे कि रेंट पेड इन एडवांस। तो बच्चों सम टाइम होता है जब हम जो है वो कोई बिल्डिंग वगैरह दुकान वकान किराए पे लेते हैं तो हमें जो है वो कुछ महीने का जो रेंट है वो हमें एडवांस में पे करना पड़ जाता है। ठीक हो गया। ऐसे ही हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमें जो है वो इंश्योरेंस भी एडवांस में पे करनी पड़ती है। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आप एडवांस में पे कर देते हैं जिसका आपको अभी बेनिफिट नहीं मिला लेकिन पेमेंट आपने कर दिया उसको हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो इसके लिए भी बच्चों वो डिफरेंट वर्ड यूज़ करेगा प्रीपेड के लिए, ये प्रीपेड लिखा हुआ है तो इसके लिए वो क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकता है, अन एक्सपायर्ड, पेड इन एडवांस, अनयूज्ड, या फिर लिख सकता है जी रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट पीरियड। जी बच्चों, ये वर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से जो है वो एक तो डेफिनेशंस भी याद करनी है लेकिन डेफिनेशंस के साथ साथ आपने ये वर्ड्स भी याद करने हैं। तो डेफिनेशन के अंदर जब आपने पेपर में ये डेफिनेशन लिखनी है तो वहाँ पे तो ये वर्ड्स नहीं हमने लिखने,
लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको ये वर्ड्स याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बच्चों वो ये प्रीपेड की जगह पे ये वाले वर्ड भी यूज़ करेगा। ठीक हो गया, तो एक तो डेफिनेशंस भी याद करनी है, साथ में ये वर्ड्स भी आपने याद करके जो है वो लिखने हैं आज। उसके बाद है बच्चों अक्रूड रेवेन्यू। अक्रूड रेवेन्यू वाजिबुल वसूल आमदनियाँ, ऐसी आमदनियाँ जो आपने अभी रिसीव करनी है, मतलब आपने काम कर लिया लेकिन अभी आपने पैसे लिए नहीं है, उसको हम कहते हैं वाजिबुल वसूल आमदनियाँ। ऐसी आमदनियाँ, ऐसी इनकम जो आपने अभी रिसीव करने हैं। तो कह रहा है इनकम विच हैव बीन अर्नड, ऐसे पैसे जो आपने अर्न कर लिए हुए हैं, बट नॉट रिसीव इन द ईयर ऑफ अर्निंग, लेकिन अभी तक आपने रिसीव नहीं किए हुए। फॉर एग्जाम्पल वर्क डन बट सैलरी इज नॉट रिसीव, जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आपने काम कर लिया लेकिन अभी तक आपको सैलरी रिसीव नहीं हुई, या आप जो है वो कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं, आपने काम कर लिया लेकिन अभी तक आपको कमीशन रिसीव नहीं हुई। तो जी बच्चों अक्रूड ये लिखा हुआ है, ये अक्रूड का वर्ड ऊपर भी लिखा, तो यहाँ पर भी बच्चों वो ये वर्ड यूज़ कर सकता है, जो वर्ड हमने यहाँ पे लिखे हैं ना, अक्रूड, पेबल, अनपेड एरियर, ओइंग ड्यू, तो इसी तरह से यहाँ पर भी बच्चों वो ये वाले वर्ड यूज़ कर सकता है, बस यहाँ पे पेबल की जगह पे रिसीवेबल आ सकता है। क्या वर्ड वो यूज़ कर सकता है इसके लिए, अक्रूड, अक्रूड तो ऑलरेडी लिखा हुआ बच्चों, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, एरियर, ओइंग एंड ड्यू। तो जी बच्चों यही वाले वर्ड्स अगर इनकम के साथ आ जाए तो इसका मतलब है कि हमने पैसे लेने हैं। ठीक हो गया, और अगर ये एक्सपेंस के साथ आ जाए, जैसे पीछे हमने पढ़ा, ये एक्सपेंस के साथ आ जाए तो इसका मतलब कि हमने पैसे देने हैं। इसके बाद है बच्चों नंबर फोर पे अनअर्नड रेवेन्यू, ऐसी आमदनियां जो वक्त से पहले वसूल कर लें। अनअर्नड बच्चों, अर्न का मतलब होता है कमा लेना, तो अनअर्नड मतलब जो अभी हमने कमाए नहीं है लेकिन पैसे ले लिए हैं, तो अनअर्नड रेवेन्यू ऐसी आमदनियां जो वक्त से पहले वसूल कर लें। तो बच्चों डेफिनेशन तो आपने याद करनी ही करनी है, लेकिन साथ साथ में आप इसको उर्दू में ऐसे याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत आसान रहेगा। अनअर्नड इनकम, ऐसी आमदनियाँ जो हमने अभी वसूल करनी है, मतलब काम हमने कर लिया लेकिन पैसे नहीं मिले। तो कह रहे हैं इनकम विच इज़ रिसीव्ड इन एडवांस, पैसे हमने एडवांस में ले लिए, बट वर्क हैज़ नॉट बीन डन, लेकिन काम हमने अभी नहीं किया हुआ। इन द ईयर ऑफ रिसीट फॉर एग्जाम्पल सैलरी रिसीव बट वर्क इज़ नॉट डन। जी बच्चों आपने देखा होगा सम टाइम क्या होता है, हमें पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, अभी महीना गुजरा नहीं है लेकिन हमने सैलरी जो है वो एडवांस में रिसीव कर ली है, तो उसको हम कहते हैं बच्चों अनअर्नड रेवेन्यू। तो इसके लिए बच्चों वो डिफरेंट वर्ड क्या यूज़ करेगा, अनअर्नड, या फिर वो लिख सकता है जी रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड बट नॉट वर्क, पैसे तो रिसीव कर लिए लेकिन काम नहीं किया, ये वर्ड बच्चों इसके लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद बच्चों ये चार जो डेफिनेशन है एडजस्टमेंट्स हैं बच्चों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन के अंदर बच्चों, पेपर के अंदर भी और आपकी जो है वो बुक के अंदर भी, कोई सा भी क्वेश्चन हम देखेंगे उसके अंदर ये चार एडजस्टमेंट तो मस्ट होंगी, इनके अलावा और भी आएंगी लेकिन ये वाली चार एडजस्टमेंट जो है इनमें से वो कोई ना कोई एडजस्टमेंट ज़रूर देता है। तो ये आपने बच्चों बहुत अच्छे तरीके से ये वाली एडजस्टमेंट्स याद करनी है, ये एडजस्टमेंट्स याद करेंगे देन ही चैप्टर होगा, अदरवाइज आपको इस चैप्टर की भी समझ नहीं आएगी अगर आप ये डेफिनेशन ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं करते। नेक्स्ट है जी बच्चों हमारे पास डेप्रिसिएशन, ये तो बच्चों आपको पता है ऑलरेडी, ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जी बच्चों एसेट की वैल्यू में किसी भी वजह से जो है वो क्या हो जाती है, कमी हो जाती है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, एसेट की वैल्यू में किसी भी वजह से जो है वो लगातार और आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, कमी होती रहती है, डिक्रीज, ये एसेट है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों 10 लाख रुपए का आपने खरीदा तो एक साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 9 लाख, फिर 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, तो बच्चों जितनी कम होती जा रही है, 10 से 9 पे आ गई तो 1 लाख कम हो गई, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, डेप्रिसिएशन कहलाएगी। तो जी बच्चों आज आपको मैं बिल्कुल थोड़ा सा ये काम दे रहा हूँ, सिर्फ 5 डेफिनेशंस मैंने दी हैं आज आपने बच्चों, हर सूरत में ये याद करनी है, याद करके आपने लिख के मुझे सेंड करनी है, तो इसीलिए मैं आज आपको बच्चों बिल्कुल थोड़ा काम करवा रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आपने करना है।
तो अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कीजिएगा। और आपका अगर पिछला होमवर्क अभी रहता है बच्चों, बहुत सारे बच्चों का अभी तक मुझे पिछला होमवर्क रिसीव नहीं हुआ, तो बच्चों इसके साथ साथ अपना पिछला होमवर्क भी कंप्लीट करके उसकी पिक्स भी मुझे सेंड करनी है। लेकिन ये वाला आज आपने हर सूरत में लेक्चर सुन के अटेंडेंस मार्क करके अपना होमवर्क आज ही मुझे सेंड करना जी। बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।